यमुनानगर के रादौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिमी यमुना नहर रादौर के पक्का घाट पर उस वक्त लोगों का जमावड़ा लग गया जब उन्हें नहर में देसी शराब की बोतलें बहकर आती दिखाई दी। नहर में बहकर आ रही शराब की बोतलों की सूचना पाकर शराब पीने के शौकीन भी मौके पर पहुंचे और कईयों ने तो शराब की बोतलें भी नहर से बाहर निकालनी शुरू कर दी। नागेश्वर धाम पक्का घाट रादौर के महंत स्वामी महेशाश्रम ने बताया कि नहर में हजारों शराब की बोतलें बहकर आई हैं। उन्होंने लोगों से यही अपील की कि वे इस शराब का सेवन ना करें, ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग अपने साथ एक दो शराब की बोतलें भी लेकर मौके से चले गए। अभी हाल ही में पंजाब में जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की मौत से भी लोग सबक नहीं ले रही हैं और इस तरह से बहकर आई शराब का सेवन करने से भी नहीं डर रहे। रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। नदी में हजारों बोतलें शराब के कहीं से बहते हुए आ रही है और इसीलिए लोगों ने भीड़ लगाई हुई है। कुछ लोगों ने छाना भी है, उसमें से निकाला भी है, तो हमने सबको मना किया है, सारी पब्लिक को कहा है कि भाई जगह जगह जहरीली शराब पीने से पंजाब में भी हिमाचल में भी लोग मर रहे हैं, इसलिए आप लोग इस शराब को सेवन न करें क्योंकि स्वास्थ्य पर आपका हानिकारक हो सकता है, कोई मर भी सकता है, इसलिए इस शराब को पिए नहीं और निकाले नहीं, रोकने का प्रयत्न किया है। लेकिन इसमें हजारों बोतलें जा रही है बह करके सब लोग, और जहाँ तहाँ लोग छान रहे हैं। अब जहाँ यहाँ तक पक्के घाट में तो हमने सबको हिदायत दी है कि कोई न पिए, क्योंकि इसे जान भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।